पाँच माँ हो गए, तो ये ख्याल कैसे आए हैं? ये मेरा दोस्त था, उसने बनाया। उसने बनाया है कि भाई उसने क्या सोच के कहा कि ये बन जाओ? वो बोल रहा था आपके पास कोई दोस्त नहीं तो ऐसे बन जाओ। तो ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है लेकिन कितने घंटे आप स्टिल ऐसे ही रहते हो? आज मैं मौजूद हूँ F9 पार्क इस्लामाबाद, जिसको फातिमा जिना पार्क भी कहा जाता है, और ये हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद में है और बहुत खूबसूरत है। आगे चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, यहाँ से हमारा पार्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जी यहाँ से, अच्छा इस पार्क की क्वालिटी ये है कि यहाँ से आपको दूर दूर तक पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। और फ्रंट पे ये जो इन्होंने ये मोनूमेंट बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मुगलियाई दौर का ये लगता है। और स्टार्ट में ही जब ये आपको नज़र आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर आने वाला हर इंसान यही समझता है कि भाई ये पार्क बेहद खूबसूरत होगा। और आगे चलते हैं, आपको और बहुत अच्छे अच्छे से कैप्चर्स दिखाऊंगी, व्यूज़ दिखाऊंगी, सो स्किप ना करिएगा, आपको गोल्डन मैन से भी मिलवाना है। और ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये वॉकिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और इतना खूबसूरत व्यू जब हो तो वॉक और जॉगिंग करने का मज़ा ही है। पार्क इस्लामाबाद में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने जिम बनाया हुआ है, ये जिम एरिया है सारा। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जितना भी ये नज़र आ रहे हैं जिम की चीज़ें, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पर आए, एंजॉय करें, अपने आप को कम करें। चलो चलो चलो। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अपने वजन को उठा लिया है। आप यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ कहीं होंगे आपको यहाँ आना पड़ेगा, बहुत धूप से। अच्छा फ्रेंड्स, इस पार्क में सबसे ज्यादा इस एरिया पे मैं एंजॉय कर रही हूँ, यकीन करें, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इस पार्क में आपको मस्जिद भी मिलेगी जो कि ख़ास करके लेडीज़ के लिए बनाई गई है। यहाँ पर लेडीज़ जो है वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। जेंट्स का एरिया बिल्कुल अलग है, उनकी मस्जिद अलग बनी हुई है। और यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, इजीली आप लोग यूज़ करें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साफ़ सुथरे वॉशरूम है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा जो आ जाते हैं जी चिल्ड्रंस की तरफ से, किड्स पार्क, पार्क में हर फैसिलिटी मौजूद है, हर तरह के झूले और खूबसूरत और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इजीली। और यहाँ पे जी मैं इंटर हो चुकी हूँ, यहाँ पे टिकट ले रही हूँ जो कि ईच पर्सन 30 रुपीज़ है। और यहाँ आगे जी हमारे गोल्डन मैन, आपको मैं इनसे मिलवाती हूँ, इनसे थोड़ी सी बात कराती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में फातिमा जिना पार्क F10 F9 यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे ये गोल्डन मैन, इनको आप सब जानते ही हैं वैसे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि जब कोई आए इनकी बहुत रिस्पेक्ट करें, इनकी हेल्प करें और इनके साथ वीडियोस बनाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से टिकटॉक, यूट्यूब, जहाँ भी आपने डालनी है डालें, रिस्पेक्ट के साथ डालें, क्योंकि मैंने इनको बहुत दफ़ा इनकी वीडियोज़ देखी हैं। और जो कुछ भी हुआ थोड़ा सा गोल्डन मैन बताएँगे अपने बारे में, कुर्सी तक बने हुए पाँच माँ हो गए, तो ये ख्याल कैसे आए हैं?
ये मेरा दोस्त था उसने बनाया। उसने बनाया है कि भाई उसने क्या सोच के कहा कि ये बन जाओ? वो बोल रहा था आपके पास तो ऐसे बन जाओ। तो ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है लेकिन कितने घंटे आप स्टिल ऐसे ही रहते हो? ऐसे मैं तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे ऐसे ही मतलब यूं ही पोज चेंज कर करके बस यही एक जगह स्टिल? 1-2 घंटे। अच्छा तो वैसे तो जी 3 बजे से लेके 9 बजे तक ऐसे पोज लगाता हूं मैं। अच्छा लोग आते हैं वीडियोस बनवाते हैं कैसा लगता है? वायरल हो रहा है? नहीं मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया हमारा। चलो इंशाल्लाह वायरल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, ये इस पार्क का सबसे जो अच्छा एरिया होता है प्ले एरिया, ये बच्चों के लिए किड्स फॉर किड्स सबसे स्पेशल एरिया होता है जहाँ पे बच्चे और फैमिलीज आकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा पार्क है ये, मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद में सबसे बड़ा पार्क है ये। और ये देखें यहाँ पर बच्चे और जितनी भी फैमिलीज आई हुई हैं वो इंजॉय कर रही हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने लगी हूँ और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस में मैं बहुत लेके गई हूँ। अभी मुल्तान का टूर करके आई हूँ, आगे आपको और बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जाना है। तो आपको मेरा ये जो ये वाला व्लॉग है अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते हंसाते रहें, खुश रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।